गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। अब तक के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 to 6 देखे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर जो आया था उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। आज ये चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब तक हम लोगों ने इसके अंदर लास्ट टॉपिक में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर। अब सबसे पहले तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्यों यूज़ होता है ये देखने से पहले अब तक आपके प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन कैसे होता था ये देखते हैं। तो इन जनरल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन सिक्वेंस। आपके प्रोग्राम के अंदर जनरली स्टेटमेंट सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, ओके। लेकिन व्हेन समटाइम्स प्रोग्राम लॉजिक नीड्स टू चेंज द फ्लो ऑफ दिस सीक्वेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से वहाँ पे स्टेटमेंट का फ्लो चेंज हो सकता है। एंड द स्टेटमेंट्स दैट कैन एबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस आर कंसिडर्ड एज कंट्रोल स्ट्रक्चर। और ऐसे स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को चेंज करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इन जावा देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप्स एंड ब्रांचेस। ओके, नाउ व्हेन you use loop, so the loops are used to repeat a sequence of statement until some condition occurs. लूप आप लोग कहाँ कब यूज़ करोगे और ब्रांचेस कब यूज़ करोगे? तो जब आप लोग ऐसा चाहते हो कि आपकी आपके स्टेटमेंट कुछ कंडीशन तक बार बार एग्जीक्यूट हो, ऐसा जब आप लोग चाहते हो तब आपको लूप यूज करना है। एंड ब्रांचेस आर यूज टू चूज अमॉन्ग टू और मोर पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। ब्रांचेस आप लोग कब यूज़ करोगे? तो जब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उसमें से एक ऑप्शन आपको एग्जीक्यूट करवाना हो, तब आपको ये ब्रांचेस का यूज़ करना है, ओके। सो द ब्रांचेस इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिव स्ट्रक्चर। ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ओके। सो इन जावा कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट आर यूज टू डिटरमाइन द नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम आर इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। जावा के अंदर जो कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, जो ये प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करते हैं, उसके एग्जीक्यूशन को नॉर्मल फ्लो में, उसके प्रोग्राम के स्टेटमेंट को नॉर्मल फ्लो में वहाँ पे आउटपुट दिखाते हैं, वो इफ स्टेटमेंट के थ्रू आप लोग उसे कंट्रोल कर सकते हो, स्विच के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, और जो हम लोगों ने 3 टाइप्स की लूप 10th स्टैंडर्ड के अंदर देखी है उसके थ्रू आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा और टॉपिक दिया गया है, ब्लॉक। ये कभी भी आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है ब्लॉक का। ब्लॉक क्या है? अ ब्लॉक स्टेटमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ ब्रेसेस ओपनिंग करली एंड क्लोजिंग करली। ओपनिंग करली और क्लोजिंग करली के बीच में जो स्टेटमेंट्स होंगे वो स्टेटमेंट को वो ये जो स्टेटमेंट इसके अंदर के जो स्टेटमेंट है इतना इसका ब्लॉक है ऐसा। ठीक है, तो ब्लॉक की फॉर्मेट क्या है पता चली? ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो होता है, जो स्टेटमेंट्स आते हैं उसे उसको उतना ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रैकेट हो रहा है स्टार्ट, और यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रैकेट आ रहा है।
यहाँ पे मैं INT temp, temp नाम का एक वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ। अब ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल ये ब्रैकेट के अंदर ही यूज़ होगा, इसके बाहर मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि इसका जो ब्लॉक है, इसका ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक ही है। समझ में आ रहा है? तो जो चीज़ ये ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर लिखी हुई होगी, वो चीज़ वहाँ तक ही मिलेगी, बाद में उसे आप लोग बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब्लॉक समझ में आया? ब्लॉक किससे डिसाइड होता है? ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से वेरिएबल का ब्लॉक डिसाइड होता है। ओके, अब यहाँ पे पीछे आपको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन उसके बारे में दिया गया है। When we declare a variable inside a block, then they are known as local variable and we can access this variable in within your opening and closing curly brackets only. जब आप लोग कोई वेरिएबल को ये ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हो, तब ये आपका लोकल वेरिएबल कहलाता है और उसकी वैल्यू आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में ही मिलती है, बाहर उसकी वैल्यू आपको नहीं मिलती है। ओके, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ ब्लॉक इज़ कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल एंड इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। ब्लॉक के आउटसाइड पे वो कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल और इनविजिबल रहेगा। ओके, सो द जनरल कंसेप्ट आर नोन एज स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? उस वेरिएबल का स्कोप बोलते हैं, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ तक एक्सेसिबल है और कहाँ तक एक्सेसिबल नहीं है, इस चीज़ को वेरिएबल का स्कोप बोलते हैं। एंड द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिफाइन इनसाइड अ ब्लॉक इज लिमिटेड टू दैट ब्लॉक ऑनली। वही ब्लॉक के लिए उसकी वैल्यू लिमिटेड हो जाती है, ब्लॉक के बाहर आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलती है। यहाँ पे ये चीज़ को समझाने के लिए आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाया गया है और प्रोग्राम के अंदर आपकी एरर क्या आ सकती है, इसके बारे में दिखाया गया है। समझते हैं ये प्रोग्राम, सिर्फ आपको इसके अंदर वेरिएबल का स्कोप क्या है वही समझना है, पूरे पूरा प्रोग्राम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तक हम लोगों ने ब्लॉक के अंदर ये पढ़ा कि ओपनिंग और क्लोजिंग से ब्लॉक डिसाइड होता है। तो मैंने यहाँ पे ये क्लास स्टार्ट किया है, ये क्लास का ओपनिंग है और ये क्लास का क्लोजिंग है, मतलब ये ब्लॉक नाम का क्लास, मतलब मेरा पूरा प्रोग्राम। ठीक है, अब क्लास के अंदर मैंने ये मेन मेथड लिखी है, मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये मेन मेथड का ओपनिंग और ये मेन मेथड का क्लोजिंग, मतलब यहाँ से INT से लेके ये system.out.println तक मेरा मेन मेथड का ब्लॉक रहेगा। ठीक है, ये मेरा मेन मेथड है। अब ये मेन मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे देखो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, उसको वैल्यू दी है 10। ओके, अब यहाँ पे मेरा ब्लॉक वन, ये ब्लॉक वन मेरा स्टार्ट हो रहा है और ये इसके अंदर के स्टेटमेंट है और ये मेरा ब्लॉक वन यहाँ पे एंड हो रहा है। ये ब्लॉक के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है y=50, y वेरिएबल है और उसको मैंने 50 वैल्यू दी है। अब याद रखना, ये जो y है, ये y की वैल्यू ये ब्लॉक तक ही आपको मिलेगी, अगर ये ब्लॉक के बाहर आप लोग y की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाओगे तो उसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ये दूसरा ब्लॉक दिखाया है, ये ब्लॉक को अच्छे से समझना, ये दूसरा ब्लॉक दिखाया है, ये दूसरे ब्लॉक का स्टार्टिंग है और ये दूसरे ब्लॉक का एंडिंग है। यहाँ पे मैं अगेन वाई वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ और उसको वैल्यू दे रही हूँ 20। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मुझे कुछ भी एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये जो वाई वेरिएबल है ये ब्लॉक तक ही रहेगा और ये जो वाई वेरिएबल है ये ब्लॉक तक ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे ये लाइन लिख रही हूँ इंटीजर INT x=30, एक्स नाम का वेरिएबल और उसको मैं 30 वैल्यू असाइन करूँगी, तब मेरे प्रोग्राम के अंदर एरर जनरेट होगी।
ये एरर किसकी वजह से आएगी? तो यहाँ पे मैं एक्स नाम का वेरिएबल यहाँ पे ये ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ये एक्स वेरिएबल को ऑलरेडी यहाँ पे मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया है, जिसका स्कोप पूरी मेन मेथड के अंदर है। मतलब ये पूरे प्रोग्राम के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स की 10 वैल्यू रहेगी। अगर आपको ये दूसरी वैल्यू यूज़ करनी है तो वेरिएबल का नेम चेंज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, या तो ये स्टेटमेंट को यहाँ से निकाल देना पड़ेगा, वरना ये प्रोग्राम के अंदर एरर आएगी। तो समझ में आ रहा है वेरिएबल का स्कोप क्या है? ये एक्स वेरिएबल ये पूरे प्रोग्राम तक रहेगा, क्योंकि ये वेरिएबल के अंदर सारे प्रोग्राम के अंदर ये रहेगा, ठीक है। ये वाई में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये वाई ये ब्लॉक के लिए ही है और ये वाई ये ब्लॉक के लिए ही है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे वेरिएबल का ब्लॉक डिसाइड होता है। ब्लॉक मीन्स वेरिएबल की वैल्यू कहाँ तक एक्सेसिबल है और कहाँ तक एक्सेसिबल नहीं है, इस चीज़ को वेरिएबल का स्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब ये कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं पढ़ रहे हैं वो सारे टॉपिक हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर ऑलरेडी आपका ये टॉपिक आ गया है, लेकिन वापस से हम लोग इसको देख रहे हैं। इफ़ स्टेटमेंट जब आपके प्रोग्राम के अंदर यूज़ होता है तब इसकी सिंटैक्स कुछ ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। ये इफ़ स्टेटमेंट और ये पूरी सिंटैक्स आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिख लेनी है। इफ़ राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कंडीशन लिखी जाएगी, ये ओपनिंग, ये इफ़ का ओपनिंग, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ये इसका क्लोजिंग, और यहाँ पे एल्स पार्ट, इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग, और ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट। अगर इफ़ के साथ लिखी गई यहाँ पे लिखी गई टेस्ट कंडीशन ट्रू होती है तब ये ऊपर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे दी गई कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ़ कंडीशन ये पार्ट पहले ऑप्शन एक में देते हैं, दूसरा पार्ट और ये दूसरे ऑप्शन में देते हैं, और पूछते हैं कि अगर ट्रू होती है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होती है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो जब दी गई कंडीशन ट्रू होती है तो ऊपर का इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और अगर दी गई कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका जो ये नीचे एल्स पार्ट रहता है वो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर आपको इतनी चीज़ समझनी है। इसके रिलेटेड बहुत एक दो प्रोग्राम पीछे दिए गए हैं, लेकिन हम लोग प्रोग्राम की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका स्विच स्टेटमेंट। इफ़ के बाद है आपका स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हम लोगों ने बोला कि कब यूज़ होता है, तो जब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं और उसमें से एक ही को एग्जीक्यूट करवाना हो तब आप लोग ये स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करोगे। इसको जैसे हम लोग 10th स्टैंडर्ड के अंदर लिखते थे वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना है। ये उसको लिखने की सिंटैक्स है। स्विच एक्सप्रेशन, ये उसका ओपनिंग, यहाँ पे केस, यहाँ पे केस का कोई कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे कॉलन का सिंबल, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, और ये केस में से बाहर निकलने के लिए ब्रेक। यहाँ पे ये ऐसे दूसरा केस आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे जितने चाहे उतने केस आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और लास्ट में आपका आएगा डिफ़ॉल्ट केस, डिफ़ॉल्ट, उसके बाद कॉलन, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, और यहाँ पे ये स्विच का एंडिंग, ठीक है। अब समझो यहाँ पे जो आपका ये टेस्ट एक्सप्रेशन है, यहाँ पे मतलब कंडीशन स्विच के साथ आएगी, तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट एक्सप्रेशन है वो टेस्ट एक्सप्रेशन का टाइप जो है वो बाइट, कैर, शॉर्ट या तो INT ही होना चाहिए, ठीक है। स्विच के अंदर जो टेस्ट एक्सप्रेशन आप लोग यूज़ करोगे इट शुड बी अ टाइप ऑफ बाइट, कैर, शॉर्ट और INT, ओके। अब यहाँ पे ये टेस्ट एक्सप्रेशन जिस केस के साथ मैच होगा इस केस के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, समझ में आ रहा है। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन ये सेकंड केस के साथ मैच हो रहा है तो इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे,
अब सपोज समझ लो ये टेस्ट एक्सप्रेशन कोई भी केस के साथ मैच नहीं हो रहा है, तब आपका ये डिफॉल्ट केस के अंदर के स्टेटमेंट एक्जीक्यूट होंगे। ठीक है, मेरी बात अच्छे से सुनना, याद रखना, स्विच के अंदर के एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्सप्रेशन जिस जो केस के साथ मैच होगा उसके अंदर के स्टेटमेंट एक्जीक्यूट होंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर ये एक्सप्रेशन किसी भी केस के साथ मैच नहीं होता है तो यहाँ पे दिया गया डिफॉल्ट केस एक्जीक्यूट होता है। ओके, अब यहाँ पे मैं दूसरी बात बता रही हूँ, वो अच्छे से ध्यान में रखना, द डिफॉल्ट केस इज़ ऑप्शनल। स्विच के अंदर जो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट केस लिखा है वो ऑप्शनल है, मतलब मैं अगर उसको नहीं लिखूंगी तो क्या होगा, तो भी चलेगा, चलेगा ना, क्योंकि ये ऑप्शनल का मतलब यही होता है। तो अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि स्विच के एक्सप्रेशन के अंदर दी गई कंडीशन किसी भी केस के साथ मैच नहीं हो रही है और मैंने प्रोग्राम के अंदर डिफ़ॉल्ट भी नहीं लिखा है तो क्या होगा, then your state statement completes without doing anything। वो स्विच स्टेटमेंट कुछ भी नहीं करेगा और स्विच में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट दी गई है, ये पीछे दिया गया है, ये एक बार पढ़ के समझ लेना। ये डिफ़ॉल्ट है वो ऑप्शनल है, सो इफ़ देर इज़ नो मैच इन एनी केस एंड डिफॉल्ट डजंट एक्सिस्ट द स्विच स्टेटमेंट कम्प्लीट्स विदाउट डूइंग एनीथिंग। स्विच कुछ भी नहीं करेगा और सिंपली बाहर आ जाएगा। नॉट दैट ब्रेक स्टेटमेंट यूज आफ्टर ईच केस इज नॉट मैंडेटरी। सब केस के बाद हम लोगों ने जो ब्रेक लिखा है ना, वो ब्रेक भी ऑप्शनल है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग ब्रेक नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर दो टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात की है, इफ़ एंड स्विच। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करवाना हो तो उसे बोलते हैं रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। और रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग जावा के अंदर यूज़ करते हैं लूप्स। ओके, किसका यूज़ करते हैं हम लोग जावा के अंदर, लूप्स का। सो योर जावा सपोर्ट्स थ्री टाइप्स ऑफ लूप। योर जावा सपोर्ट्स थ्री टाइप्स ऑफ लूप। फर्स्ट वन इज़ फोर, सेकंड वन इज़ योर व्हाइल एंड थर्ड वन इज़ योर डू व्हाइल। जावा सपोर्ट थ्री टाइप्स ऑफ लूप, फोर व्हाइल एंड डू व्हाइल। ये लूप हम लोग जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ गए वही सेम है। ठीक है, अब ये फोर लूप को कैसे लिखते हैं, उसकी सिंटेक्स क्या है, तो यहाँ पे फोर कीवर्ड आएगा। यहाँ पे लूप के अंदर सबसे पहले एक्सप्रेशन वन आएगा, सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन टू सेमी कॉलन और एक्सप्रेशन थ्री। ठीक है, ये फोर लूप का ओपनिंग, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स और ये फोर लूप का क्लोजिंग। ऐसे मैं फोर लूप को लिखूंगी। यहाँ पे एक्सप्रेशन वन पे मेरी कंडीशन दी जाएगी, एक्सप्रेशन वन पे कंडीशन दी जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो पार्ट है ये मेरा ट्रू पार्ट है, और अगर यहाँ पे दी गई कंडीशन फॉल्स, ये जो फोर लूप है यहाँ पे, ये सबसे पहले जो है ये एक्सप्रेशन वन, ये आपका इनिशियलाइजेशन है, मतलब मुझे लूप को स्टार्ट कहाँ से करनी है वो इनिशियलाइजेशन। ये सेकंड पार्ट है आपका कंडीशन, और थर्ड पार्ट आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, सेकंड पार्ट कंडीशन और थर्ड पार्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, व्हाइल लूप को लिखने की सिंटेक्स क्या है, इसको लिखने की सिंटेक्स क्या है, तो व्हाइल लूप को मैं लिखूँगी व्हाइल, यहाँ पे कुछ भी ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन, ये उसका ओपनिंग, नंबर ऑफ स्टेटमेंट और इसका क्लोजिंग। डू व्हाइल को लिखने की सिंटेक्स क्या है, तो इसको लिखने की सिंटेक्स डू ओपनिंग, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे क्लोजिंग,
फिर यहाँ पे क्लोजिंग के बाद एक्सप्रेशन और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है, ये उसको लिखने की सिंटेक्स है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, फोर एंड वाइल लूप के अंदर वाइल लूप के अंदर जो आपका टेस्ट एक्सप्रेशन है, जो कंडीशन है, वो कंडीशन यहाँ पे सबसे पहले चेक हो जाती है। सो योर फोर एंड वाइल लूप इज़ कॉल्ड योर फोर एंड वाइल लूप इज़ कॉल्ड एंट्री कंट्रोल्ड लूप। फोर और वाइल को क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड बोलते हैं। और इसका दूसरा नेम है प्री टेस्ट लूप, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन सबसे पहले चेक हो जाती है। इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि लूप के अंदर के स्टेटमेंट एक भी बार एक्सिक्यूट ना हो, ऐसा कब होगा, तो यहाँ पे कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये लूप के अंदर के स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो वाइल और फोर के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपके स्टेटमेंट एक भी बार एक्सिक्यूट ना हो। नेक्स्ट जो आपकी डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप के अंदर यहाँ पे कंडीशन सबसे एंड में चेक हो रही है, इसीलिए इसको एक्सिट कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। और उसका दूसरा नेम है पोस्ट टेस्ट लूप, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिट कंट्रोल बोलते हैं, या तो उसको पोस्ट टेस्ट लूप भी बोलते हैं। और इसके अंदर आपके स्टेटमेंट एटलीस्ट वन टाइम एक्सिक्यूट होंगे ही, क्योंकि ये डू करके लूप के अंदर तो आ गया, स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर लिए, बाद में कंडीशन चेक होगी, तो यहाँ पे एक बार तो एक्सिक्यूट हो ही जाएंगे स्टेटमेंट। अब कंडीशन ट्रू होगी तो वापस से लूप में जाएगा, फॉल्स होगी तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ आपको ये लूप के अंदर याद रखनी है। जावा सपोर्ट्स थ्री टाइप्स ऑफ लूप, फोर वाइल एंड डू वाइल। फोर एंड वाइल इज़ नोन एज एंट्री कंट्रोल और प्री टेस्ट, एंड डू वाइल इज़ नोन एज एक्सिट कंट्रोल और पोस्ट टेस्ट लूप। और इस चैप्टर का लास्ट छोटा सा टॉपिक है यूज़ ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल आउटसाइड द स्विच और लूप। लूप और स्विच में से बाहर निकलने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होता है। एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्किप द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन, ठीक है। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है नेस्टेड लूप, वो आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है, लेकिन एक लूप के अंदर दूसरी लूप आती है तो उसे नेस्टेड लूप बोलते हैं, ठीक है। और पीछे जो टॉपिक दिया गया है लेबल्ड लूप एंड लेबल्ड ब्रेक, वो भी आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखो मैं सिर्फ फोर लूप का एग्जांपल बता रही हूँ। यहाँ पे फोर लूप मैंने जो अभी बताई ना, वो ये पार्ट इनिशियलाइजेशन कहलाता है, ये पार्ट कंडीशन है और ये इंक्रीमेंट है। तो ऐसे लूप के आगे मैं ऐसे कोई भी लेबल लगा के ये कॉलन का सिंबल करूँगी तो इस चीज़ को लेबल्ड लूप एंड लेबल्ड ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो टॉपिक है, ये वाला लेबल्ड लूप एंड लेबल ब्रेक और आगे जो नेस्टेड लूप आया वो, ये दो टॉपिक आपके सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर नंबर 7 है, वो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो के अंदर जो मैंने नोट्स लिखी है, वो नोट्स आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है और बुक के पीछे के एक्सरसाइज के MCQ भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू।